नमस्कार, आई एम डॉक्टर मृगांक शेखर शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी एट मणिपाल हॉस्पिटल्स, पालम विहार, गुड़गांव. टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट ओबेसिटी एंड बेरियाट्रिक सर्जरी एंड द वेरियस मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट दैट वी हैव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्बिड ओबेसिटी. मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसको हम मोटापा भी बोलते हैं, बिकम्स ए डिजीज बाय इटसेल्फ जब मोटापा उतना हद तक बढ़ जाता है कि पेशेंट्स रिक्वायर ट्रीटमेंट फॉर दैट ओबेसिटी इटसेल्फ. राइट, ये ना सिर्फ अपने फिजिकल कारण से प्रॉब्लम करते हैं, बट इट ऑल्सो लीड्स टू अदर डिजीजेज लाइक ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, राइट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इन योर नीज, एंड इन फीमेल्स इट ऑल्सो लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक यू नो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेज. सो वी नीड टू ट्रीट दिस डिजीज एंड दिस इज ए डिजीज, अंडरस्टैंड मी व्हेन आई एम सेइंग दिस. और इसको हम इसीलिए बोलते हैं इट्स द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, बिकॉज इफ यू कैन क्योर ओबेसिटी देन वी कैन क्योर अ लॉट ऑफ दिस अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो. नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम द ओनली आर्मामेंटेरियम वी हैड वॉज बेरियाट्रिक सर्जरी. राइट, बेरियाट्रिक सर्जरी एक दूरबीन यानी लैप्रोस्कोपिकली की हुई सर्जरी है, लाइक एनी अदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी लाइक गॉल ब्लैडर सर्जरी और हर्निया सर्जरी, जिसमें बेसिकली हम स्टमक के साइज को छोटा कर देते हैं. राइट, या हम इंटेस्टाइन्स के साथ ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो जाए. नाउ दिस वाज यूज टू बी द ओनली मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल टू अस. इसके रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट, इट लीड्स टू एक्सेस बॉडी वेट लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 70-80%. मतलब अगर आप सपोज 50 किलो के आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए बट आपका एक्चुअल बॉडी वेट करीब 100 किलो है, दैट मीन्स योर एक्सेस बॉडी वेट इज अराउंड 50 kgs. सो अगर ये सर्जरी हम करें तो उससे एटलीस्ट 70-80% आपका एक्सेस बॉडी वेट लॉस हो जाता है, मतलब अराउंड 35-40 kgs विल बी लॉस्ट. नॉट ओनली दैट, देर इज ऑल्सो ए वेरी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी दैट ऑलमोस्ट 70-80% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और जो स्लीप एपनिया यानी खराटे लेने की जो प्रॉब्लम है, दीज थिंग्स आर ऑल्सो क्योर्ड. नाउ देर इज अनादर मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट दैट वी कॉल द इंट्रागैस्ट्रिक बलून. नाउ देर इज ऑफकोर्स सिलेक्ट सबसेट ऑफ पेशेंट जिनमें हम ये करते हैं. द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसीडियर इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर ए सर्जरी पर से, नीदर डज इट रिक्वायर एन एंडोस्कोपी. सो इट कैन बी डन एज ए डे केयर प्रोसीडियर. पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है. वी बलून इज इंसर्टेड इनटू द स्टमक जिससे खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इन द नेक्स्ट 3 months और सो द पेशेंट विल लूज अराउंड 15% ऑफ हिज एक्सेस बॉडी वेट. राइट, एंड द ब्यूटी इज ना इसको डालने के लिए कोई आपको प्रोसीडियर करने की जरूरत है, ना ये जब रिमूव होती है ये अपने आप ही स्टूल के साथ रिमूव हो जाती है. राइट, सो दिस इज अनदर आर्मामेंटेरियम दैट हैज कम इनटू आवर आर्सेनल जिससे हम मोटापा या ओवरवेट को हम टैकल कर सकते हैं. वी ऑल्सो हैव न्यूअर ड्रग्स कमिंग इनटू दिस स्पेशलिटी विच इज ऑल्सो हेल्पफुल इन सम पेशेंट्स. सो हमारे ओबेसिटी को फाइट करने की जो औजार है या आर्मामेंटेरियम है उसमें वी हैव मेडिसिंस टू हेल्प यू, वी हैव द इंट्रागैस्ट्रिक बलून, एंड ऑफ कोर्स वी हैव बेरियाट्रिक सर्जरी. सो पेशेंट्स हु हैव हैड दिस प्रॉब्लम, हु हैव बीन प्लेग्ड बाय ओबेसिटी, शुड कम एंड विजिट अस एट मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव एंड टॉक विथ अस. एंड जो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है या जो बेस्ट पॉसिबल उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उसी के हिसाब से वी कैन ईदर गो इन फॉर मेडिसिंस, इंट्रागैस्ट्रिक बलून और बेरियाट्रिक सर्जरी. Thank you so much.